4 में इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम के नाम की अधिकृत घोषणा कर दी है। जी हां, कांग्रेस साला कमान ने सिद्धारमैया के नाम पर सीएम पद की मोहर लगाई है, जबकि सीएम पद के लिए अरे डीके सुकुमार को डिप्टी सीएम का पद देने का ऐलान किया है। पार्टी के सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम के रूप में सिद्धारमैया के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि बीते 5 दिनों से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के सीएम का नाम तय नहीं कर पा रही थी। यह कांग्रेस के दो बड़े नेता डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया सीएम पद के दावेदार थे, जिनमें से सिद्धारमैया को पार्टी सीएम बनाना चाहती थी, तो वहीं डीके भी सीएम पद के लिए आड़े हुए थे। बता दें कि पार्टी बीते 5 दिनों से डीके को मनाने में जुटी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगातार डीके सुकुमार को मनाने में जुटे रहे और कई राउंड उनके साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला है। पार्टी के सूत्रों की माने तो रात 2 बजे सोनिया गांधी ने डीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात की है, जिसके बाद डीके शिवकुमार अब डिप्टी सीएम पद के लिए मान गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, कांग्रेस ने कर्नाटक के सीएम पद के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से सीनियर लीडर केसी वेणुगोपाल ने आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम के रूप में सिद्धारमैया के नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। पार्टी सूत्रों की माने तो डीके शिवकुमार 50-50 के फार्मूले पर माने हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद में 2.5 साल के लिए डीके सीएम बनेंगे। फिलहाल 20 मई को शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम सहित कुछ मंत्री शपथ लेंगे।